Hello guys, Selenium VBA automation through Excel. Excel VBA को यूज करके Selenium टूल्स को यूज करके हम Excel के डेटा से वेबसाइट पे कुछ कर सकते हैं और वेबसाइट का डेटा Excel में ला सकते हैं। ये हमारा जो बैब ऑटोमेशन था, जो ब्राउजर ऑटोमेशन था, ये हम लोगों की एक सीरीज चल रही है। आज तीसरी वीडियो है। जिन लोगों ने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखें, पहले पहली और दूसरी वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो में हम कैसे काम करेंगे वो लोग समझ जाएंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी Selenium थोड़ा बहुत यूज करते हैं या फिर वो Selenium सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी सेटिंग कर लें। उस जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में जो सेटिंग्स बताए गए, उस सेटिंग्स करने के बाद में फिर आपको ये चलना। आज में इस वीडियो का मैंने एक जो टॉपिक रखा हुआ है वो टॉपिक सेम है जो मैंने सेकंड वीडियो में छोड़ा। सेकेंड वीडियो में मैंने एक वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाई थी और उसी वेबसाइट को ओपन करके क्रोम ओपन करके सिर्फ उस वेबसाइट को ओपन किया था, ब्राउजर को ओपन किया था, उसको मैक्सिमाइज किया था। फर्दर इस वीडियो में आज आपको मैं क्लियर और भी चीजें क्लियर करूंगा, कुछ आइटम्स, कुछ एलिमेंट्स और क्या क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा और कुछ कोड बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि आप एक्सेल का जो डेटा है ना वो आप एक बार एक्सेल में डाल दीजिए और पूरा डेटा किसी फॉर्म्स में किसी वेबसाइट में डालना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और यदि किसी वेबसाइट पे कोई डेटा है आप चाहते हैं एक एक करके कॉपी करने में बहुत टाइम लग रहा है, जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारा डेटा है, चाहे वो यूजर्स का डेटा हो, चाहे उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या और भी कोई डिटेल हो, ये सब चीजें बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ना बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आप चीजों को ये सब चीजों को बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें आप कर सकते हैं, बट ये सब चीजें बोलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप ये सब काम कर सकते हैं, रिस्क पे बोल रहा हूँ कि कहीं वीडियो डिलीट ना हो जाए, बट ट्रस्ट मी गाइज, चाहे आप यूट्यूब हो या फिर और कोई वेबसाइट हो, वहां पे जो डेटा पड़ा हुआ है, वहां पे जो डेटा आपके लाइक है, चाहे वो यूजर का डेटा है, चाहे कोई से फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बैब एलिमेंट पता होना चाहिए कि बैब एलिमेंट क्या होते हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया हुआ था उससे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रहा था जिसका नाम था clubfactory.com। ये मैंने कोड लिखे हुए थे, आपके पास कोड है तो ठीक है, नहीं तो इस कोड को आप देखिए, लिखिए और इसको रन करिए। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अगेन मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, अगेन इसी से clubfactory.com, और फिर आपको बैब एलिमेंट के बारे में बताता हूँ कि बैब एलिमेंट कैसे है। इसकी डेफिनेशन है, आप थॉर्टिकली देखें तो बहुत बड़ी है, किसी की वीडियो देखेंगे आपको आधा पौन घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यदि आप बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ पे आपको इन सब चीजों के बारे में पता हो तो आप देखिए, बहुत सिंपल समझिए, ये जो क्रोम ओपन हुआ है दिस इज अ ब्राउजर, और ये जो आपको सब चीजें दिख रही हैं जो बनाई गई हैं ये सब HTML एलिमेंट से बनाई गई। अब मान लो एलिमेंट एक कोई वर्ड है। अब एलिमेंट कई तरीके के होते हैं और उसकी बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन आपको ये अपने काम की चीज सीखनी है, शॉर्टकट तरीका आपको सीखना है तो अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो। प्रोजेक्ट आप मेरे को फॉलो करो, मेरा प्रोजेक्ट ये है कि ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, इतनी मुझे आता है, मान लो मेरे को और कुछ भी नहीं आता, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, मुझे यहाँ क्लिक करना है, मुझे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, कहीं पे भी इसमें क्लिक करना है ऑटोमेटिकली, तो आप क्या करेंगे, अपने माउस को यहाँ पे ले जाएंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन एक्सेल के थ्रू कैसे करेंगे, इसके लिए आपको उस एलिमेंट को पकड़ो जो एलिमेंट इसके पीछे लगा हुआ है, जिस एलिमेंट में ये सब चीजें लिखी गई। तो जब मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूँ तो इसमें राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाइए इंस्पेक्ट, ये आपको बता देगा कि कौन सा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे क्लिक करने पे लगा हुआ है। एक बार क्लिक करने से नहीं आया तो दोबारा क्लिक कर दीजिए क्योंकि लोडिंग में टाइम लगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप माउस मूव करेंगे तो एलिमेंट ये हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि ये जो है ये एलिमेंट ये है डिव, और डिव के अंदर क्लासेस है तो ये सारे एलिमेंट है, डिव भी एलिमेंट है, क्लास भी एलिमेंट है। तो आप तो या तो डिव को पकड़ लो, डिव पे क्लिक कर दो, या फिर इस क्लास पे क्लिक कर दो, या इस पे क्लिक कर दो। अब आप देखेंगे CF जेंडर कंटेंट, ये पूरा ही डिव है तो पूरे पे तो आप क्लिक नहीं करना, हमें क्लिक करना है इस पे, तो आप देखेंगे कि आपका फेस कहां पर है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट है
cf underscore item. तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं. अब ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है क्लास और डिप भी है. तो या तो आप डिप को पकड़ लो या क्लास को पकड़ लो. मैं क्लास को पकड़ता हूं और आपको भी दिखाता हूं कि कितनी अच्छी यूज कर सकते हैं. यहीं पे करेंगे माई डॉक. मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया है उसके कोई भी दो वर्ड टाइप करिए, कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दिए तो वेरिएबल पूरा टाइप हो जाता है. और आप कमांड लिखेंगे यहाँ पे फाइंड, फाइंड एलिमेंट. जो वेबसाइट आपने ओपन किए थ्रू बीबीए यूज करके, सेलेनियम यूज करके, उसमें एलिमेंट आपको सर्च करना है. बोला कौन सा एलिमेंट? बोला एलिमेंट बाई क्लास में. और क्योंकि मैं वहां से क्लास कॉपी किया था मैंने, तो कॉपी करके रहिए. यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल इंडेंटेड कॉमा के अंदर उस क्लास को आप पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डॉट क्लिक. गाइस इससे अच्छी आप कोडिंग कैसे सीख, कहीं भी नहीं सीख सकते. बहुत मस्त कोडिंग है. आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है कि आपको कहाँ क्लिक करना है, बाई कौन से डिप के, कौन से एलिमेंट के हिसाब से करना है. तो मैंने क्लास यूज किया, ये क्लिक किया और ये. अब क्या होगा, वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे यूआरएल पड़ेगी, वेट करेगा, वो विंडो जो हम क्रोम ओपन करेंगे उसको मैक्सिमाइज हो जाएगी, और जो आपका ये पॉपअप आया है यहाँ पे क्लिक भी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, जब ये मान लो कि हम क्लिक कर लेते हैं, हमने ये क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये वेबसाइट ओपन हो जाती है. आप चाहते हो कि आपको, आप क्या करना चाहते हैं आपको खुद डिसाइड. इस वीडियो में आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड टाइप करना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंटर करना. मान लीजिए मैं यहाँ पे वॉचेस सर्च करना चाहता हूँ कि इसके पास में कितनी घड़ियां हैं, वॉचेस हैं जो है. तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को फाइंड करूंगा कि ये एलिमेंट कौन सा है जहां पर मुझे ये इनपुट लिखना है. अभी गाइस ये नेक्स्ट एक मिनट में आप ये सीख जाओगे कि कोई भी एक्सेल से डेटा जो लाते हैं वो यहाँ कैसे डाल. इसके लिए आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट सर्च करना है कि कौन सा एलिमेंट है. राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट करके देख लीजिए ये कौन सा एलिमेंट है, उसको पकड़ के देखिए कि ये एलिमेंट कैसे कैसे काम कर रहा है. और मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. राइट क्लिक किया अगेन, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है इनपुट, इनपुट के ऊपर आ रहा है डिप. तो आप डिप पे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है तो ये नहीं लेंगे. इनपुट, हाँ इनपुट पे आप टिक कर सकते हो तो इनपुट आप यूज कर लीजिए. लेकिन क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास बताया हुआ है तो मैं आपको क्लास ही लेके चल रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो. एक दो एग्जांपल हम लोग ना क्लास का ले लेते हैं फिर हम दूसरे एलिमेंट करेंगे. तो हम यहाँ पे क्लास जो, ये जो हमारा ये क्लास है इसको मैंने कॉपी किया है और मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब आप मैक्सिमाइज विंडो हो जाए, जब आप इस पर क्लिक कर दें तो थोड़ा सा वेट करिए, माई डॉक डॉट वेट. और मैं बोलता हूं उसको पूछा, उसके बाद मैं एक नई कमांड लिखूंगा, माई डॉक डॉट वही फाइंड बाय एलिमेंट बाय क्लास दिस दिस एंड दिस. ऑप्शन से क्लियर. माई क्लास नेम जो था वो मैंने यहां पे ले लिया डॉट. अब ये जो कमांड है आप सीखो क्या है, एक्सेल में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको वेबसाइट पे लाना है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड की, सेंड की, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और इसके अंदर आपके, आपकी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर कहाँ डेटा लिखा हुआ है. मान लीजिए डेटा मेरा B2 के अंदर लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉचेस. तो ये B2 है तो आप ये वाली रेंज का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रेंज B2 डॉट वैल्यू और ये क्लोज कर दिया. सो बेसिकली हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे पूरी कमांड ये प्रोजेक्ट हमारा ये कह रहा है, पहले हम वेबसाइट ओपन करें, फिर उसको बड़ा करें, मैक्सिमाइज करें, फिर जो पॉपअप आया उसके मेल पे क्लिक, मेल जो जेंडर है उस पर क्लिक करें और जो उसका इनपुट सर्च बॉक्स है उसके अंदर जाकर के ये वैल्यू टाइप कर दें जो एक्सेल में B2 में लिखी हुई थी. चलिए रन करके देखते हैं ये हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्लिक कर दिया हमने, आप चाहो तो कमांड्स बटन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं. जनरली दोस्तों ये जो सेलेनियम की क्लासेस होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, इसके पीछे कुछ डिस्कशन भी चाहिए होता है. बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी जितना भी बता पाऊँ वो बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को बता पाऊँ. देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है, क्रोम ओपन हो गया है
और जो हम लोगों ने वहां डेटा देखिए एक्सेल का डेटा यहाँ पे अपने आप पढ़ मैंने कुछ नहीं किया ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एक्सेल लेते हैं हम लोग यहाँ पे जब डेटा पड़ जाए उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट इस तरीके से आने चाहिए। तो देखते हैं वहां पे क्लिक करने के लिए हमारे को क्या करना होगा। हमारे को सबसे पहले उस वेबसाइट पे देखना होगा कि ये जो क्लिक है वो इसका क्या एलिमेंट है। वही प्रोसेस है राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या है हमारे पास। देखिए क्लास है ये वाला क्लास ले लेते हैं सर्च आइकन कॉपी कर लेते हैं इसको। अब आप ये सीखने जा रहे हो इस नए कोड के अंदर थोड़ा सा रीड भी करा लेते हैं। जब भी आप नया प्रोजेक्ट लिखें तो थोड़ा सा वेट जरूर कराएं। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए जब आपको लगे कि मेरा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है फिर इस टाइम को कम करते रहिए या फिर इस टाइम को हटा दीजिए। डॉक अगेन हम फाइंड एलिमेंट बाय क्लास दिस उस क्लास का नाम पेस्ट किया और ये कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्लिक कराना है तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आएगी डॉट क्लिक इसको क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास में ये क्लिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको रन करके दोबारा। ये मेरी पर्सनल विंडो है यहाँ पे गए और इसको रन कर दिया। कहाँ गया मेरा बटन दिस वन। अब यहाँ पे कुछ और लिख देता हूं मोबाइल आपको दिख रहा होगा गुड क्लिक क्लिक किया क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ ओके उसके अंदर जो हमने यूआरएल डाली थी वो पड़ गई वो लोड हो गई पॉपअप आया ये अपने आप हो रहा है सब कुछ ओके पॉपअप पे मेल पे क्लिक भी हो गया। अब जो हमारा सर्च बॉक्स था उसमें हमने मोबाइल वो मोबाइल सर्च हो गया और मोबाइल उसमें डेटा एक्सेल का यहाँ जाकर के इस बॉक्स में पढ़ के एंटर किया। तो गाइस ये चीज होगी कि आपने एक्सेल से डेटा यहाँ पे लेके आ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डाटा ये सर्च होके आया हुआ है उस डेटा के सपोज मान लीजिए ये डेटा सर्च करके आया हुआ है तो इस डेटा में जो फर्स्ट ये ऑप्शन है इसको ये जो रेटिंग है ये जो प्राइस है बाकी जो भी चीजें लिखी हुई हैं जो आप अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखिए। ये तो मैं ऐसे ही डेमो के लिए वीडियो के लिए बताया जो वेबसाइट का डेटा है उसको हम एक्शन में ले जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम एक्सेल का डेटा वेबसाइट पे लेके जाते हैं। मैंने एक ही कमांड बताई है इतनी देर में बताई है आई एम सॉरी गाइस वो लंबा हो गया ये बट आप लोग अपने हिसाब से इसको ट्राई करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट का डेटा एक्सेल में कैसे लाते हैं। थैंक यू सो मच बाय।